केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि फास्टैग को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं गौरव और आप सभी का स्वागत है KIA न्यूज में। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। ये जानकारी विशेषकर उन लोगों के लिए है जो चार पहिया वाहन रखते हैं और उनको नेशनल हाईवे पर चलाते हैं। आप सभी को अपने चार पहिया वाहन को चलाने के लिए नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देना पड़ता है। शुरुआती दौर में टोल टैक्स वसूलने के लिए केवल नकदी का प्रयोग किया जाता था और लोगों को घंटों टोल टैक्स की लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। लोगों की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने फास्टैग चालू किया। वर्तमान में लगभग 97% लोग फास्टैग के जरिए टोल टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार की जैसी मंशा थी कि फास्टैग लाने के बाद लोगों की जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, वह नीति पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुई और लोगों को अभी भी टोल प्लाजा पर किसी न किसी कारणवश जाम में फंसना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी टोल प्लाजा की फास्टैग को स्कैन करने वाली मशीन ठीक से काम नहीं करती, तो कहीं किसी टोल प्लाजा पर इंटरनेट का नेटवर्क ठीक से नहीं आता और इन सब का खामियाजा लोगों को टोल टैक्स देने के बाद भी जाम में फंसकर उठाना पड़ता है। जनता की इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि फास्टैग को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे पर चार पहिया वाहनों पर लगने वाला टोल टैक्स फास्टैग के द्वारा नहीं वसूला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि फास्टैग खत्म कर दिया जाएगा तो क्या नया नियम आएगा, कैसे हम टोल टैक्स देंगे, तो धीरज रखिए, हम वह भी बता रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक नया नियम लाया जाएगा जिससे नेशनल हाईवेज पर चलने वाली चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूला तो जाएगा, लेकिन कैसे ये आपको बताते हैं। अब केंद्र सरकार नेविगेशन सिस्टम से आप लोगों से टोल टैक्स वसूलेगी। जितनी दूरी उतना पैसा देना होगा। किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू होगी उसके टोल का मीटर ऑन हो जाएगा। अपना सफ़र खत्म करने के बाद गाड़ी जैसे ही हाईवे से स्लिप रोड या किसी सामान्य सड़क पर उतरेगी, तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम पैसा काट लेगा। सरकार फास्टैग के बदले एक हाईटेक सिस्टम लाने की तैयारी में है जो फास्टैग से भी तेज और सटीक काम करेगा। यह नया सिस्टम सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर आधारित होगा। सूत्रों के मुताबिक नए सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया गया है। इसे हरी झंडी मिलते ही फास्टैग की जगह नेविगेशन सिस्टम से टोल की वसूली का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से या तय दूरी के हिसाब से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अभी फास्टैग में एक बार टोल टैक्स काटने का नियम है। अगर किसी हाईवे पर गाड़ी चलती है तो टोल प्लाजा पर एक निश्चित राशि फास्टैग अकाउंट से काट ली जाती है। इस राशि का सफर की दूरी या किलोमीटर से कोई वास्ता नहीं होता। नेविगेशन सिस्टम में किलोमीटर के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। नए सिस्टम में हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया होगा उतने किलोमीटर का आपको टोल टैक्स देना होगा। नए टोल टैक्स के पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग जारी है। किलोमीटर के अनुसार टोल की वसूली का सिस्टम यूरोपीय देशों में कामयाब रहा है। भारत में भी अब उसी तर्ज पर इसे लागू करने की तैयारी है। अभी फास्टैग से एक टोल से दूसरे टोल के बीच का पूरा पैसा लिया जाता है। भले ही आप आधी दूरी तय कर रहे हों लेकिन पूरी दूरी का पैसा आपको देना होता है। इससे टोल महंगा पड़ता है। जर्मनी में यह सिस्टम लागू है। वहां लगभग 99% गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम से ही टोल वसूला जाता है। अब आपको बता दें कि क्या होगा इस नए सिस्टम में। किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू होगी उसके टोल का मीटर ऑन हो जाएगा। अपना सफ़र खत्म करने के बाद गाड़ी जैसे ही हाईवे से स्लिप रोड या किसी सामान्य सड़क पर उतरेगी, तय दूरी के हिसाब से नेविगेशन सिस्टम पैसा काट लेगा। यह नया सिस्टम भी फास्टैग की तरह ही होगा, लेकिन पैसा उतना ही लगेगा जितना फासला तय किया गया है। नया सिस्टम करने की तैयारियां चल रही हैं। सिस्टम लागू होने से पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करना होगा। इसके लिए सभी जरूरी कदमों पर विचार चल रहा है। जल्द ही इस बारे में सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश में 137,000 गाड़ियों पर नेविगेशन सिस्टम कवर कर चुकी हैं। रूस और दक्षिण कोरिया के विशेषज्ञ इसकी एक स्टडी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। तो सरकार द्वारा लाया जा रहा ये नेविगेशन सिस्टम आपकी नज़रों में कैसा है और आप इसमें क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।